So simply we have to discuss chapter number 6 and the name of the chapter is The Making of a Scientist. So what do we mean by the making of a scientist? Means how a young boy has been converted into a scientist. Normal. किस प्रकार से एक साइंटिस्ट बना, कैसे साइंटिस्ट बनाया गया वो. सो इन क्लास 9 आल्सो वी हैव डिस्कस्ड वन साइंटिस्ट एंड दैट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन. हियर आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रिचर्ड एफ राइट. रिचर्ड एफ राइट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने क्या दिया हुआ था, थियरी ऑफ रिलेटिविटी. ही हैज गिवन द वर्ल्ड फेमस फार्मूला E=mc². तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, बटरफ्लाई. ये वर्क ऑन द बटरफ्लाई. और इन्होंने भी लोगों के डीएनए के ऊपर और उसके ऊपर पूरा बायोलॉजी के ऊपर सेल्स के, हाउ द सेल्स वर्क, कैसे सेल्स वर्क करती हैं, क्या है. तो जैसे उनका पूरा फिजिक्स में था, वो फिजिक्स में था, इनका बायो में. तो इस पर ये पढ़ेंगे ना हाउ रिचर्ड एवराइट हैज स्टार्टेड हिज लाइफ, कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ को शुरू किया. हाउ ही वाज एज अ चाइल्ड, जब बच्चे थे तो कैसे थे. हाउ ही वाज एज अ स्टूडेंट, जैसे आइंस्टाइन का ये जो था कि कहाँ पैदा हुए, बचपन कैसा था, एज अ स्टूडेंट कैसे थे, कैसे पढ़े, वैसे पूरा इंटरव्यू. हाउ ही वाज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में कैसे थे. How he was a student, student group में कैसे थे. How he started performing experiments करने कैसे शुरू करें. Who helped him to do that, किसने उनकी मदद की. और कैसे वो एक इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए. तो पूरा का पूरा इसमें दिया गया है. और इसीलिए नाम क्या दिया गया है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का मेकिंग, किस प्रकार से साइंटिस्ट बनते हैं, क्या होता है, वो पूरा यहाँ पे दिया गया है. तो देखिए यार, रिचर्ड एवराइट हैड रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी. एक एक लाइन अलग कर लो. तो देखिए, ही हैज गॉट टू अवार्ड, वन फॉर द बायो केमिस्ट्री एंड सेकंड फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी. एंड विच अवार्ड्स, नाम पहले का क्या, सर्ल स्कॉलर अवार्ड, और दूसरे का शेयरिंग प्लाउ अवार्ड, है ना. ये दो अवार्ड उन्हें मिले हुए, फर्स्ट वन फॉर द बायो केमिस्ट्री एंड सेकंड वन फॉर द मॉलिकुलर बायोलॉजी. It was its fascination for butterflies that opened the world of science to him. And from where he had started all this, or शुरुआत इस सब की कहाँ से हुई? It was the fascination of butterflies. ये उनका butterflies को लेकर जो fascination था, fascination का मतलब attraction. जो butterfly को लेकर attraction था, वो attraction जो था, that had opened a world of science for him. उसने उन्हें एक नई राह दिखाई, नई रास्ता दिखाई, नई दिशा दिखाई, और एक science का एक नया world उनके लिए खोल के रखा. देखा, at the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. So when Richard Everett was only how many years old? 22 years old. जब Richard Everett केवल 22 years के थे, then he has excited the scientific world. इस पूरे scientific world को उन्होंने क्या कर दिया? Excited कर दिया. पूरे scientific world में एक नया excitement, एक नया revolution ला दिया. क्या बताकर? That how cells work. बॉडी किससे बनती है? केवल सेल से ही तो बनी है. तो उन्होंने यही अपनी थियोरी में बताया कि जो सेल्स होते हैं, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं. और इस थियोरी से उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया. रिचर्ड एच एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थियोरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. एंड रिचर्ड एवराइट वॉज नॉट अलोन इन दिस, इसमें अकेले नहीं थे.
Richard Arkwright along with his classmates. He have explained this theory. ये प्रैक्टिकल नहीं किया उन्होंने, प्रैक्टिकल करके नहीं बताया उन्होंने, किसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया? थियरी के थ्रू एक्सप्लेन किया। और वो थियरी किसमें एक्सप्लेन करी? इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में। वो आर्टिकल पब्लिश किसमें हुआ? इन अ साइंटिफिक जनरल, एक साइंटिफिक जनरल था। और नाम क्या साइंटिफिक जनरल का? द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो एक साइंटिफिक जनरल था जो हमेशा साइंटिस्ट के आर्टिकल्स को, वर्क को पब्लिश करता था, और जनरल का नाम है द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। उसी जनरल में रिचर्ड एवराइट और इनके क्लासमेट्स ने एक थियरी को एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल के थ्रू। उस थियरी में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो सेल्स होते हैं वर्क करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम that this important scientific journal had ever published the work of the college students. जैसे जी बड़े बड़े मैगजीन्स होते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ पेपर होते हैं, तो क्या हर किसी अरे अरे नत्थू कह रहा है कुछ भी लिखे वो पब्लिश कर देते हैं क्या? जैसे ये साइंटिफिक जनरल था, और ये ऐसा जनरल था जो केवल और केवल बड़े बड़े साइंटिस्ट के आर्टिकल को पब्लिश करता था। लेकिन पहली बार हुआ था, इट हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस जनरल जनरल दैट इट हैज पब्लिश द वर्क ऑफ 22 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो लिखा होगा 22 की एज में वो अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा, बहुत अच्छा होगा, तभी तो पब्लिश हुआ। कि पहली बार इस हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि 22 के एज के बच्चों के आर्टिकल को, बच्चों की थ्योरी को उन्होंने अपने जर्नल में पब्लिश किया हुआ था। एंड इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। बोले ये तो वैसे ही हो गया कि आप स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट का ही कहते हैं, पहला मैच खेलने उतरे और पहले मैच में सेंचुरी मार दें। ऐसे रग्बी खेलते हैं, है ना, तो पहले मैच में क्या होम रन, बॉल उठा के सीधा पहुंचना होता। बोले 15 साल की एज में आप क्या करें, इंटरनेशनल डेब्यू करें और पहले ही मैच में आप क्या करें, होम रन कर लें। तो कहते ऐसे ही था, मतलब इट वॉज अ बिग अचीवमेंट, पहले मैच में सेंचुरी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये कहता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 15-22 साल की एज में उनका जो आर्टिकल था वो किस में पब्लिश हो गया था? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। बहुत बड़ी बात थी फॉर रिचर्ड एवराइट। इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस। अगर रिचर्ड एवराइट की बात करें, सो इट वॉज द फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट से मतलब बहुत सारे अचीवमेंट, इस अचीवमेंट की स्ट्रिंग, पूरी लाइन लगी हुई है उनकी लाइफ में, बहुत सारे अचीवमेंट किए, और जो उपलब्धियों की जो लाइन है ना, उस लाइन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो जनरल में पहला पब्लिश हुआ 22 साल की एज में, जो उनका आर्टिकल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ, ये बड़ा अचीवमेंट था। और यहाँ से अचीवमेंट की शुरुआत हुई, और फिर ऐसे अचीवमेंट्स की उनके पास क्या लाइन लगी हुई है। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाई। और हाँ, ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब की शुरुआत बटरफ्लाई से हुई। एन ओनली चाइल्ड एवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। अब उसके चाइल्डहुड को एक्सप्लेन किया जा रहा दैट ही वॉज एन ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड से मतलब ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। एंड ही वॉज बॉर्न, ही वॉज ग्रोन अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। रीडिंग क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो नॉर्थ, रीडिंग के नॉर्थ में एक जगह है, और जगह का नाम क्या है? पेनिसिल्वेनिया। वहाँ वो पला बढ़ा। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। तो रिचर्ड एवराइट कहते हैं दैट व्हेन आई लिव्ड इन पेनिसिल्वेनिया, कि जब मैं पेनिसिल्वेनिया में रहता था ना, आधे तो पेनिसिल्वेनिया नहीं कह पाएंगे है? तो उसे कहा, जब मैं पेनिसिल्वेनिया में रहता था छोटे में, सो आई डोंट हैव मच थिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल
विद अ टीम ऑफ वन, कहता आई वॉज नॉट जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, मैं दूसरों बच्चे जैसा नहीं था, आई कुडंट प्ले फुटबॉल बेसबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स विद जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे यंग एज में क्या खेल रहे होते, कहता मैं उनके जैसे ये फुटबॉल बेसबॉल खेल नहीं सकता था, मुझे सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे वो बच्चों के साथ खेलते थे, इसलिए बच्चे उन्हें क्या नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, बोरिंग ब्रदर, बोरिंग ब्रदर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था बच्चों के साथ कितने ऐसे ही थे, कहते मुझे मैं समझ में नहीं आता क्या करूं, मैं दूसरे बच्चों के जैसे उनके साथ बेसबॉल फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, और तो कुछ करने को नहीं था लेकिन एक काम था जो मैं वहां कर सकता था, वो ये था कलेक्ट थिंग्स, कि मैं वहां चीज़ें इकट्ठी कर सकता था, मैं कलेक्ट कर सकता था इन चीज़ों को, सो ही डिड एंड डिड ही एवर, सो ही डिड एंड डिड ही एवर से मतलब सो ही कलेक्टेड एंड ही कलेक्टेड थ्रू आउट हिज लाइफ, उनका मैं और कुछ नहीं कर सकता था, मैं केवल चीज़ें कलेक्ट कर सकता था, तो उनका उन्होंने कलेक्ट किया और डिड ही एवर और हमेशा करते भी रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, तो शुरुआत उनकी कहाँ से हुई, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, केजी, हाँ प्ले स्कूल होता है ना केजी, आज अच्छा स्कूल नहीं आए घर से ही पढ़ाई होगी आज, हाँ चलो घर से ही पढ़ो, तो जैसे बच्चों का होता है ना, तो पहले केजी फिर पीजी देन एलकेजी देन यूकेजी, केजी मतलब किंडरगार्टन प्ले ग्रुप, तब आता लोअर किंडरगार्टन अपर किंडरगार्टन, इस प्रकार, तो वो कहता है इसकी शुरुआत किंडरगार्टन से हुई केजी से हुई, एवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, सो व्हेन ही वाज इन केजी ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई, और उन्होंने जब से बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू करा था, एंड ही हैड कलेक्टेड द बटरफ्लाई विद सेम डिटर्मिनेशन विद सेम एक्साइटमेंट थ्रू आउट हिज लाइफ, और ऐसा नहीं कि बड़े होके लगा रहे ये क्या कर रहा हूँ, नहीं उसी डिटर्मिनेशन उसी एक्साइटमेंट के साथ पूरी जिंदगी उनको कलेक्ट करते रहे थे, ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, और केवल बटरफ्लाई ही कलेक्ट नहीं करते थे, अलॉन्ग विद बटरफ्लाई ही कलेक्टेड रॉक्स, रॉक्स को भी इकट्ठा करते थे, फॉजिल्स, फॉजिल तो जानते होंगे ना क्या होते हैं, फॉजिल फ्यूल मतलब रिमेन्स, जो नीचे रिमेन्स है जो दबे हुए हैं, जो हाँ तो अवशेष जिनको हिंदी में बोलते हैं, तो फॉजिल्स जो फॉजिल फ्यूल थे, जैसे डीजल है पेट्रोल है ये भी क्या है, ये भी फॉजिल्स है, तो ऐसे जो कहीं नीचे हुए कुछ रॉक्स मिले जल वो सबको कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे, और केवल कलेक्ट ही नहीं करते थे, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर टू, ही वॉज अ वेरी ईगर एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर किसको बोलते हैं, यस अ पर्सन हु स्टडी स्टार्स, जो स्टार्स की स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनोमर बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योतिष, नहीं वो नहीं ज्योतिष नहीं बोलते, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो एस्ट्रो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, देख इनको बोलते हैं हिंदी में खगोल शास्त्री, क्योंकि आप देखा होगी खगोली घटना, जैसे कुछ होता है ना हमारे यहाँ, तो उसको न्यूज में देखिए ऐसी इकलौती खगोली घटना है, तो स्टार्स में जब कुछ होता है तो उसको खगोली बोलते हैं, तो खगोल शास्त्री बोला जाता है एस्ट्रोनॉट्स को, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, क्योंकि ये ईगर एस्ट्रोनॉमर थे तो इसलिए स्टार्स की स्टडी करते, इसलिए कभी कभी पूरी रात बैठ के क्या करते थे, हाँ पूरे दिन स्टार्स देखते थे, पूरे रात दिन में नहीं पूरे रात बैठ के क्या करते थे, स्टार्स को देखा करते थे, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स वेन ही वॉज इन क्लास फर्स्ट, जब वो क्लास फर्स्ट में थे, क्लास फर्स्ट से ही उनके पास क्या थी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा उत्सुकता, ड्राइविंग चलाने वाली जिज्ञासा मतलब
मीन्स बात ये होता है ना, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही क्यूरियस होते तब आप पता करना चाहते क्यों है क्या है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीख जाते। कुछ लोग कहते होगा हमें क्या करना, कुछ लोग ये होते कुछ लोग नहीं करना तो नहीं लेकिन जानना चाहिए है क्या है। तो उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी और वो क्यूरियोसिटी ने क्या करा, दैट पोस्ट हिम जो हमेशा आगे बढ़ाती रही और उसके साथ साथ क्या था, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। तो दिमाग कैसा था, बहुत ब्राइट था, बहुत ही अच्छा शार्प दिमाग था, शार्प दिमाग के साथ क्यूरियोसिटी थी। कुछ लोगों के पास दिमाग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत ही डल होते हैं, और जब डल होते हैं तो उस दिमाग का कोई मतलब नहीं बचता क्योंकि आप उसको यूज ही नहीं करते। लेकिन इनके पास बहुत अच्छा माइंड था, माइंड के साथ साथ बहुत ही अच्छी क्यूरियोसिटी थी और इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। दूसरी बात बेटा, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं देन एट फर्स्ट यू नीड द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है ना, वहाँ अगर आप कुछ अलग करने जैसे ही गए तो दे दनादन दे दनादन, यही तो है, चुपचाप पढ़ाई करो बेटा। सब थोड़ा ना डीएम बन जाएंगे, ना सब इंजीनियर बन जाएंगे, ना सब डॉक्टर बन जाएंगे भाई। इतना बड़ा संसार है, इतने सारे काम हैं, तो अगर सब एक ही बन जाएंगे तो बाकी कौन करेगा भाई भाई। और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्पेशलिटी होती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पेस में बहुत अच्छा होता है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है। तो आप जिस फील्ड में अच्छे हैं, अगर उस फील्ड में आपको मोटिवेट किया जाए, उस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए, तो आपके सक्सेस के चांसेस डबल हैं कंपेरिजन जो अभी आप कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है आजकल की जिस एज में आप है, आपको खुद पता नहीं है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो आप घर वाले कैसे कह रहे हैं। फिर जब आपको पता नहीं चुपचाप पढ़ाई करो फिर, यही तो है। लेकिन इनकी जो मदर थी, शी ऑलवेज एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनका इंटरेस्ट था आप चीज़ें कलेक्ट करेंगे सीखेंगे, तो इसके लिए उन्होंने हमेशा एनकरेज किया। शी टोक हिम ऑन ट्रिप्स, और इसीलिए हमेशा क्या करती थी वो, शी टोक हिम ऑन ट्रिप्स, अपने साथ ट्रिप्स पर लेकर जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, जब पता चला कि इन्हें स्टार्स को बहुत इंटरेस्ट है तो एक टेलीस्कोप ला के रख दिया। नहीं कि आंखें खराब करेगा क्या, कल सो जाए ये नहीं कहा, हमारे घर वाले नॉर्मली यही तो होगा। तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप ला, टेलीस्कोप ला के दिया, माइक्रोस्कोप्स क्योंकि जो चीज़ें थी उनमें इंटरेस्ट है, तो एक माइक्रोस्कोप ला के दे दिया, कैमराज दिए, माउंटिंग मटेरियल, रॉक्स में भी इंटरेस्टेड रहते तो माउंटिंग मटेरियल, जाओ चढ़ो जाके रॉक्स कलेक्ट करो देखे जाके, ये सब किया। एंड अदर इक्विपमेंट, और जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत थी वो सब ला के दिए। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत सारे दूसरे तरीके से हेल्प करे। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी नहीं मिलता सामान, मिलता है लेकिन हमारे घर में सौदा होता है सौदा करते हैं घर वाले, अगर नहीं बिना गए भी अब ये ला के दे दिया, अब ये करके दिखाना है, नहीं तो समझ लो सब उठ जाएगा। तो प्रेशर से काम नहीं होता है, तो उसके लिए विलिंगली जो एक आता है ना वही होना चाहिए। तो कहते हैं उसकी जो माँ थी उसको इतने सारे इक्विपमेंट्स ला के दिए, और जितने भी तरीके से थे वो बराबर उसकी हेल्प करती थी। The I was his only companion until he started school, his mother said. जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं कर देता है, जब तक उसका जैसे उसके घर में तो अगर या तो छोटा भाई बहन हो या बड़ा भाई बहन हो उसके साथ हो, ये तो अकेले ही थे। तो जब अकेले थे तो इनके 24 आवर्स फ्रेंड कौन था, मदर। तो यही कहती जब तक उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया तब तक मैं उसकी ओनली कंपेनियन, केवल और केवल मैं ही उसकी दोस्त थी, मैं ही कंपेनियन थी, मैं ही साथी थी। एंड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और जब स्कूल जाना शुरू कर दिया तो फिर मैं उसके लिए दोस्तों को घर बुलाने लगी। जब तक स्कूल नहीं गया तब तक अकेले मैं उसकी दोस्त थी, और जब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो उसको दोस्तों को मैं घर बुलाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम लोग काम साथ में, क्योंकि दोस्त रात में तो नहीं रुकते थे, रात में फिर हम दोनों अकेले ही रह जाते, साथ में काम करते थे।
रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। और जब से रिची मतलब रिचार्ड के फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद से रिचार्ड मेरी पूरी जिंदगी था। वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, और रिचार्ड के फादर की डेथ कब हो गई थी? वेन ही वॉज इन थर्ड ग्रेड थर्ड क्लास, तभी उसकी डेथ हो गई थी जब से वो मेरी पूरी जिंदगी था। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग इन द डाइनिंग रूम टेबल। सी एंड हर सन, वो और उसका बेटा, दोनों अपनी हर शाम कहाँ गुजारते थे? डाइनिंग रूम टेबल पर एक साथ गुजारते थे। एंड इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, और कभी कभी उसके पास कुछ करने को ये नहीं होता था तो मैं काम ढूंढ देती थी उसके। हमारे घर वाले क्या काम ढूंढते हैं, मम्मी चलो फ्रिज में बोतल लगाओ, चलो सब्जी रखो, चलो आओ सब्जी कटवाओ, मटर छिलाओ, या कुछ नहीं कर रहे चलो मटर छिलाओ। तो कहता अगर रिचार्ड के पास करने को कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी, लेकिन ऐसा काम नहीं। कैसा काम हो, कहती है, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, ऐसा काम नहीं जिसमें फिजिकल वर्क हो, मेहनत करनी पड़े, ऐसा काम देती थी इससे कि वो कुछ सीखे। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू, लेकिन उसे पसंद भी आता था क्योंकि उसे सीखना पसंद था। आपके घर वाले कहते फ्री हो चलो ये पढ़ो इसको सॉल्व करो, तो आप ऐसे लगा बहुत पढ़ाया, अरे वैसे ही अपना नहीं पढ़ पा रहे और पढ़े। लेकिन जो कहती रिचार्ड को मैं ये काम क्यों देती थी, क्योंकि उसे पसंद था, वो सीखना चाहता इसलिए उन कामों को करता था। एंड लर्न ही डिड, एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी, वो सीखना चाहता था और उसे सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और जब वो स्कूल में था ही अर्न टॉप ग्रेड्स, मतलब हाँ टॉप रैंक आती थी उसकी स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, उसे कहा ऐसा नहीं कि दूसरे लड़कों से अलग हो। इन एवरी डे थिंग्स, जो डेली के काम होते हैं उन कामों में वो भी वैसा ही था जैसे दूसरे बच्चे होते, वैसे ही वो भी था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड एवराइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। और जब वो क्लास केवल क्लास सेकेंड में था, हमें तो यही पता नहीं था बटरफ्लाइज क्या होती है। उसने तो 25 प्रकार की जो बटरफ्लाइज होती है स्पीसीज, वो सारी की सारी कलेक्ट कर ली। उसके होम टाउन के आसपास 25 प्रकार की वाली स्पीसीज होती है, उसने पूरी 25 स्पीसीज की बटरफ्लाई उनको पकड़ दिया, और ये सब लिखी हुई हैं। हम लोग तो केवल बटरफ्लाई जानते हैं, है ना। अब देखो कौन कौन सी होती है। वाइट एम हेयर स्ट्रीक, अकेडियन हेयर स्ट्रीक, ब्रॉन्ज कूपर, बॉक कूपर, पर्पल स्कॉपर, ईस्टर्न टेल ब्लू, मेलिसा ब्लू, सिल्वरी ब्लू, आई ब्राउन, वुड निम्फ, मोनार्क और मिल्कवीड, ओलंपिया, क्लाउडलेस सल्फर, यूरोपियन कैबेज, वेरीगेटेड फिटलरी, हैरिस चेकर स्पॉट, पर्ल क्रेसेंट, मॉर्निंग क्लॉक, पेंटेड लेडी, बके, वाइस रॉय, वाइट एडमायरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैकबेरी। तो कहता जब वो केवल क्लास सेकेंड में था उसी समय उसने इन सबको कलेक्ट कर लिया, बाकी कल करेंगे, ठीक है।